राजस्थान में गहलोत सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में 15 नए मंत्री लेंगे शपथ। 6 नए मंत्रियों की छुट्टी होना फाइनल। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, कौन कौन से वो 15 मंत्री हैं और किन 6 मंत्रियों की अब छुट्टी होने जा रही है और कौन से 15 विधायक हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिली, आज के वीडियो में हम इसको लेकर पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं राजस्थान में वर्तमान में क्या स्थिति है और किस किस को मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें तो निर्दलियों को मंत्रिमंडल में जगह मिलना फाइनल है, जबकि बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों में से 2 को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, जबकि पायलट समर्थक 6 को मंत्रिमंडल में जगह मिलना फाइनल है, जबकि 5 कांग्रेस के अपने कुछ युवा वरिष्ठ नेता है, जबकि कुछ वरिष्ठ नेता है जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। इस प्रकार मंत्रिमंडल विस्तार की लिस्ट निकलकर सामने आ रही है और किन 6 की छुट्टी हो रही है उसमें गोविंद सिंह डोटासरा की छुट्टी होना फाइनल है। इसके अलावा सचिन पायलट और उनके 2 सहयोगियों की छुट्टी भी होना फाइनल है। इसके अलावा आपको बता दें 3 या 4 और ऐसे मंत्री हैं जिनकी छुट्टी होना फाइनल है। मास्टर भवनलाल के निधन के बाद लिस्ट में 1 मंत्री की जगह छूट गई है। ऐसे में गहलोत के मंत्रिमंडल विस्तार में 15 नए मंत्री बनाए जाना लगभग फाइनल है। कौन कौन से वो 15 मंत्री होंगे तो आपको बता दें, हमारे पास जो लिस्ट है उसके अनुसार मकर संक्रांति के बाद यानी कि 14 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना फाइनल है और इस मंत्रिमंडल विस्तार में कई अहम चेहरों को भी जगह मिलेगी। इनमें पायलट समर्थकों को भी मौका मिलेगा, जबकि गहलोत के समर्थकों को भी मंत्रिमंडल में मौका दिया जाएगा। हाल ही में हुए कांग्रेस के कार्यकारिणी गठन में पायलट समर्थकों की बिल्कुल भी नहीं चली, मात्र 25% पायलट समर्थकों को जगह मिली है, जिसके बाद सचिन पायलट एक बार फिर अजय माखन से मिलने गए हैं, ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस सियासी घमासान के बीच क्या कुछ नया अपडेट निकल कर सामने आता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।